अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब आप से कोई पूछे कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं या आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, और अगर आप ये बता दें कि मैं मैथमेटिक्स की डिग्री कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो आपको सामने वाला बंदा यही जवाब देता है कि भाई ये कौन सा सब्जेक्ट ले लिया, ये कौन से डिपार्टमेंट में जाके फंस गए, ये तो जिन भूतों की जुबान है, कैसे समझ लेते हो भाई, हमें तो नहीं आती, हम तो भाई मैथ से दूर ही रहें तो अच्छा है, हमें तो एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आता मैथमेटिक्स का, आप कैसे वहाँ पढ़ रहे हो। तो ये किताब जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो ऐसा कहते हैं कि हमें मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती और मैथमेटिक्स भूतों की जुबान है, हमें तो मैथमेटिक्स से अल्लाह बचाए, ये किताब उनके लिए ज़्यादा मुफीद होगी। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, मैं लास्ट में इस किताब का नेम भी बताऊंगा और इसका प्रीव्यू भी दिखाऊंगा कि कैसी दिखती है ये किताब। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, इस किताब के थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। दोस्तों, ये किताब आठवीं जमात तक के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। जिन स्टूडेंट्स ने या जिन दोस्तों ने शुरू से रियाजी नहीं पढ़ी या उनकी रियाजी में दिलचस्पी नहीं रही, उनके लिए अगर वो फिर से रियाजी यानी मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये किताब लेके आया हूँ। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। 5 से लेकर 8 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स इस किताब में हल हुए हुए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं ज़रा। ये किताब जो है दोस्तों, ये किताब इस तरीके से लिखी गई है कि इसके पेजेस एक कॉपी की तरह हैं, जिस तरीके से आम कॉपी होती है, और यहाँ बताया गया है कि एक स्कूल का होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जिसने अपने नोट्स बनाए हैं, और लास्ट में वो कहता है कि भाई मैंने ये नोट्स बनाकर फ़ायदा उठा लिया है, अब आप खुद इससे फ़ायदा उठाएं, ये किताब ये नोट्स अब मैंने आपको दिए। इस किताब में तकरीबन बुनियादी रियाजी यानी बेसिक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स हल हुए हैं, हल हो चुके हैं, हल किए गए हैं, फ्रैक्शन से लेकर कोऑर्डिनेट प्लेन तक, नंबर से लेकर ज्योमेट्री तक, सब कुछ यहाँ बयान किया गया है। और इस किताब में कुछ रूल्स लिखे गए हैं कि भाई हाइलाइटेड वोकेबुलरी वर्ड्स जो हैं उन्हें येलो हाइलाइट किया गया है, येलो रंग से, येलो कलर से, और जो डेफिनेशंस हैं उन्हें ग्रीन हाइलाइटर से हाइलाइट किया गया है। ब्लू पेन इसलिए हर जगह इस्तेमाल की गई है कि अगर इम्पोर्टेंट पीपल प्लेसेस डेट्स और टर्म्स आ गए हैं या लिखे हुए हैं तो उनको ब्लू पेन से लिखा गया है, और मुख्तलिफ चार्ट्स बनाए गए हैं लाइक पाई चार्ट। तो जिस तरीके से कुछ हैवी एंड मैसिव कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा जा सके। दोस्तों, बढ़ते हैं इनके कंटेंट्स की तरफ कि इस किताब में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स में फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है, लेसन 1 है, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 14 पॉइंट्स सिखाई गई हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर के एग्जाम यानी नंबर के एग्जाम, द नंबर लाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, फैक्टर्स, GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल्स बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, LCM, फैक्टर्स बेस फ्रैक्शन बेसिक्स बताई गई है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन यानी LCM अगेन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस सिखाया गया है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स, मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स, डिवाइडिंग डेसिमल्स, एडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, सब्ट्रैक्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड इन इक्वलिटीज। दूसरा जो हमारा लेसन है इस किताब में, इस बुक में, वो है रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंट। इसमें 26, इसमें भी 26 नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स सिखाई गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेशोज, यूनिट रेट एंड यूनिट प्राइस क्या है, प्रोपोर्शंस, कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स, परसेंट, परसेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, टैक्सेस, फीस, डिस्काउंट्स एंड मार्कअप्स,
ग्रेविटी एंड कमीशन, ग्रेटिविटी सॉरी ग्रेटिविटी एंड कमीशन, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंट रेट ऑफ चेंज, टेबल्स एंड रेशोज। उसके बाद जो थर्ड नंबर लेसन है उस वो है एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें एक्सप्रेशंस बताई गई हैं कि एक्सप्रेशंस हैं क्या, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइक टर्म्स क्या हैं, एक्सपोनेंट्स क्या हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या है यानी बोडमास रूल, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स किसे कहते हैं, सब कुछ सिखाया गया है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में अच्छा इसके कुछ और भी हैं, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस के कुछ और भी पॉइंट्स सिखाए गए हैं, वो हैं कंपेयरिंग इरेशनल नंबर्स, इक्वेशन क्या है, सॉल्विंग फॉर वेरिएबल्स, सॉल्विंग मल्टी स्टेप इक्वेशन, सॉल्विंग एंड ग्राफिंग इनइक्वालिटीज यानी ग्राफ कैसे बनाया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसके बाद है ज्योमेट्री, उसमें पढ़ाया गया है कि भाई ज्योमेट्री क्या है, एंगल्स किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स एंड एरिया क्या है, कैसे मालूम किया जाता है, ट्राइंगल्स एंड एरिया, द पैथागोरियन थ्योरम, सर्किल सरकमफ्रेंस एंड एरिया, थ्री डायमेंशनल फिगर्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, सिमिलर फिगर्स एंड स्केल ड्राइंग्स। ठीक है, इसके बाद स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आता है, उसमें हम पढ़ते हैं, इसमें बताया गया है कि भाई इंट्रोडक्शन टू स्टेटिक्स हमें सिखाया गया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन सिखाई गई है, डिस्प्लेइंग डेटा किस तरीके से डेटा को डिस्प्ले किया जाता है, एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाए। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट प्लेन एंड फंक्शंस। इसके जो पॉइंट्स हमें सिखाए गए हैं वो हैं द कोऑर्डिनेट प्लेन, रिलेशंस, लाइंस एंड फंक्शंस, स्लोप क्या है, लीनियर इक्वेशंस एंड फंक्शंस, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड फंक्शंस, नॉन लीनियर फंक्शंस, पॉलीगॉन्स एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन, ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स एंड ग्राफ्स। इसी तरीके से कंटेंट्स ख़त्म हुए। दोस्तों इस किताब में ऐसे पढ़ाया जा रहा है, ऐसे सिखाया गया है जैसे हम किसी बच्चे को सिखाते हैं। तो जो नॉन मेथर्स हैं, जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, और वो मेरे भी कई काफ़ी दोस्त हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मुझे लोग कहते हैं कि भाई हमें एक ऐसी मैथ्स की बुक गाइड करें, हमें बिल्कुल नहीं आती लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाए। तो मैं ये आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई ये आप किताब पढ़ें, ये बुक पढ़ें, इसके बाद अगर दिल से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैथ्स 8th तक की मैथ्स आ जाएगी, रियाजी आ जाएगी, और अगर 8वीं जमात तक की रियाजी आपको आ गई तो आगे की रियाजी यानी आगे की मैथ्स तो आपको बिल्कुल ईजी, क्योंकि आपका बुनियाद बन जाएगा, बुनियाद के बाद आप इमारत जितनी लंबी चाहें खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, इस किताब का नाम क्या है और वो प्रीव्यू कैसे होता है। ठीक है, इस किताब का नाम है एवरीथिंग यू नीड टू एस मैथ इन वन बिग फैट नोटबुक। ये इस किताब का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी किताब है और ये इसका प्रीव्यू है। इसी तरीके से आपको pdfdrive.com पे भी मिलेगी, और अगर वहाँ पर ना मिले तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं गूगल पे, वहाँ से आपको ये फ्री डाउनलोड हो सकती है। अगर आप हार्ड में ले लें तो बहुत अच्छा है, अगर आप हार्ड में नहीं ले सकते तो आप सॉफ्ट में पढ़ लें। यह किताब बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। मैं खुद ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट्स हूँ और यूनिवर्सिटी मैंने क्रॉस कर ली है, लेकिन फिर भी अगर जब मैंने ये किताब देखी तो मुझे भी पढ़ने का शौक़ हुआ। तो मेरी ये सबको एक सजेशन है कि भाई आप ये बुक पढ़ें और अपनी राय दें। इसी के साथ ये वीडियो पूरी हुई, इसी के साथ मैं आपकी दुआएं लेकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।